इस वीडियो में हम एंटीसेंस थेरेपी के बारे में समझेंगे। सो एंटीसेंस थेरेपी में हम क्या करना चाहते हैं कि हम किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन को रोकना चाहते हैं, मे बी दैट प्रोटीन इज नॉट रिक्वायर्ड इन आर बॉडी। सो उसके लिए सपोज मान लीजिए दिस इज अ टेम्पलेट, हमारा डीएनए स्ट्रैंड है जिसमें कि एंटीसेंस एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज सेल स्ट्रैंड। तो जब एंटीसेंस टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, वो एमआरएनए बना के देगा और ये एमआरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। तो हम एंटीसेंस थेरेपी में क्या करते हैं, हम जस्ट उल्टा एक डीएनए स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें यहाँ पे जो सेंस स्ट्रैंड है यहाँ के एंटीसेंस हो जाएगा और एंटीसेंस सेंस स्ट्रैंड बन जाएगा। एंड व्हेन एंटीसेंस स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट ट्रांसक्राइब करके वो एमआरएनए बनाएगा और ये एमआरएनए बिल्कुल इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये जा करके एमआरएनए ड्यूप्लेक्स बनाएगा और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देगा, क्योंकि नाउ एमआरएनए इज नो मोर अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये ड्यूप्लेक्स बना के इसके प्रोसेस को रोक देगा। सो दिस इज हाउ एंटीसेंस थेरेपी वर्क। थैंक यू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।